सबमर्सिबल लगवाया सर, और पाइपलाइन दबी हुई थी पहले, तो उसमें वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया जी। पानी की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, फोकस हरियाणा के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे तरफ नमस्कार। से भी। मेरा वार्ड 12 पड़ता है, और गांव करेला और जमोला के 5 वार्ड पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि सबसे पहले आपके जो करेला गांव में क्या समस्या है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की समस्या है और शिक्षा की समस्याएं हैं। अभी गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां के हेडमास्टर ने मेरे को बोला भाई यहाँ पानी की व्यवस्था करवा दो। तो मैंने ग्रांट भी नहीं आया था, तो अपने पैसे से वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया। ये आपने बहुत सराहनीय काम किया सर। समरसीबल लगवाया सर, और पाइपलाइन दबी हुई थी पहले, तो उसमें वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया जी। जमोला गांव में सबसे बड़ी क्या समस्या है? जमोला गांव में भी पानी की ही समस्याएं हैं, और वहाँ भी अभी पहला ग्रांट आएगा, उसमें वहाँ पे भी समरसीबल लगाने का काम करेंगे और पानी की टंकियाँ बनवा के और घर घर तक, कोशिश ये है भाई घर घर तक पानी पहुँचे। और एक ये बताइए, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसके लिए क्या कुछ अभियान चलाए जा सकते हैं? हमारा एक राजकीय उच्च विद्यालय, दोनों गांव का इकट्ठा स्कूल है, करेला और जमोला का। वहाँ पे बच्चों के हम सोच रहे हैं भाई कैसे बढ़ोतरी हो बच्चों की, और +2 तक करवाने का भी कोशिश कर रहे हैं हम। हमारा 10वीं तक स्कूल है, बच्चे हैं, फिर बाद में झूलाना जाना पड़ता है उनको। हम सोच रहे हैं, हम प्रयासरत हैं इसके लिए भाई हमारा स्कूल इंटरमीडिएट हो जाए। एक यहाँ से महिला ब्लॉक समिति की मेंबर है, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या करवाना चाहेगी? महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है। हमारे गांव में कोई भी पीने का ना, नीचे भूमिगत जल है पीने का, उसके लिए हमने नहर से पानी लेके आना पड़ता है। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं भाई, समरसीबल लगा दें या फिर वहां से पाइपलाइन दबा के हम गांव वालों को पानी सुनिश्चित करें। आपके दोनों गांव की गलियां कैसी हैं? गलियां कुछ तो सुधरी हुई हैं, कुछ सुधारने लायक हैं, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। ग्रांट जो भी आएगा हम गलियों में भी लगाएंगे उसको। यहाँ पर जो किसानों की व्यवस्था है वो कैसी है? जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बारिश के कारण बहुत से गांव में किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, तो आपके यहाँ पर करोला गांव में और झमोला गांव में दोनों गांव के किसानों की स्थिति कैसी है, और क्या इस प्रकार की समस्या भी यहाँ देखने को मिली कि बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ? बिल्कुल सर, जो प्रकृति की मार है वो किसानों पे बहुत पड़ी है पिछले 2-3 सालों में, और किसान बेचारा पीछे, जैसे और भी पीछे चला जाता जा रहा है। अब ये मान लो सरकार कुछ साथ दे नहीं रही, सरकार एजेंडा लेके आई थी हम किसानों का, दुगना आय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई जिसके घर में गाड़ी नाम है, किसी के बाइक नाम है, लगभग हर घर में बाइक किसी न किसी के नाम है, तो उसके उसके भी कार्ड काटे जा रहे हैं, और बुढ़ापा पेंशन भी काटी जा रही है। मतलब सरकार की नीतियां बिल्कुल गलत हैं। दोनों गांवों में जो खेलों से संबंधित कैसी व्यवस्था है? खेलों से संबंधित अभी कोई स्टेडियम नहीं है गांव में, ना करेला के पास ना जमोला के पास है। करेला के बच्चे नहर पे, 1 किलो 1.5 किलोमीटर हमारी नहर है, वहाँ पटड़ी पे रेस मारने जाते हैं। जमोला के बच्चे हैं वो रोड पे मारते हैं, या फिर बड़े स्कूल में जो इकट्ठा स्कूल है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे साथ आज ब्लॉक समिति मेंबर प्रतिनिधि राकेश जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके दोनों गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, और जो जो समस्याएं बताई सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए विशेष रूप से इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।